स्वागत है दोस्त आपका इडू एक्सप्रेस में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो दिल्ली सल्तनत से मुख्यतः रहेंगे। यह जो प्रश्न है 55 रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे। आपको आंसर देने के लिए 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। यह जो प्रश्न है इस प्रकार से प्रारूप किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम झारखंड SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, UPPSC के PT और BPSC C26 के PT के लिए लाभदायक रहेगा तथा अन्य एग्जाम के लिए भी समान रूप से लाभदायक रहेगा। ये PT एक्सप्रेस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं मनीष कुमार आगे देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के इतिहास से, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सोच लीजिए। ये आंसर है आपका 712 में ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति सेना के सेनापति का नाम बताइए, कौन थे सिंधु पर विजय प्राप्त करने सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में आए थे वो अरब के सेनापति थे सेना के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को आप लोग लगभग सब जानते होंगे। इसका सही आंसर है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध में। अब चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, लगभग आप लोग ये सब जानते ही होंगे, सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर है आपका पृथ्वीराज तृतीय। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वीराज राजो के लेखक हैं? आप लोग सोच लिए होंगे, लगभग जानते होंगे सभी प्रश्न। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज राजो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए छठा प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में? सोच लिए होंगे, मोहम्मद बिन कासिम। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार, गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार आया था? सोच लिए। इसका सही आंसर है अलबरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन से युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध, यह इसके बारे में तराइन का द्वितीय युद्ध में जान गए होंगे, ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, पहले हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। नौवां प्रश्न की ओर देखते हैं, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जब वो भारत की ओर आक्रमण कर रहा था सबसे पहले किसने पराजित किया था? सोचिए, सोच लिए होंगे, भीम द्वितीय द्वारा सबसे पहले उसे पराजित किया गया था, फिर बाद में इसे तराइन के प्रथम युद्ध में किया गया था चंद्रगुप्त द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु है? पोलो या चौगान खेलते समय, सोचिए, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये प्रश्न पहले कभी। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यह जो है लाहौर के साइड में जो अपने उधर के अपन यह चौगान खेल रहा था, यानी ये हॉर्स पोलो होता है एक्चुअली, यह घोड़े पर बैठ के खेला जाता है चौगान, उसी टाइम में ये कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मर गया था। आगे 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन जनरली आ जाता है, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश का संस्थापक था, मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका भारत में, सोच लिए होंगे आप लोग, इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का सिक्का टंका। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, खिजर खान कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिजर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सोचिए सोचिए, खिजर खान ने, सोच लिए होंगे, इसका आंसर है सैयद वंश का प्रारंभ किया था। 14वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? जब गठित हुआ दिल्ली सल्तनत तो राजकीय भाषा क्या थी दिल्ली सल्तनत की? सोच रहे होंगे आप लोग, सोच लिए होंगे, इसका सही आंसर है फारसी। 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग,
किसको शक्तिशाली नोबल के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? चिहलगानी, ये तुर्क ए चिहलगानी इसका पूरा नाम है, तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क चिहलगानी का विनाश का श्रेय किसे दिया गया है, सोचिए आप लोग, जिसने इसे खत्म किया ना किसे बनाया। सही आंसर है बलबन द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग 16 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? कुतुब मीनार जो बना है हम दिल्ली में, किस शासक द्वारा पूरा किया गया? लगभग ये आप लोग सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़े हैं ये चीज हम लोग, यह है इल्तुतमिश द्वारा। कुतुब मीनार का नाम क्यों रखा गया, किसके नाम पर रखा गया है, आप लोग शायद जानते होंगे, सूफीसंत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार। 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न मुस्लिम सुल्तान कौन था, यानी सुल्तान पहला प्रभुता संपन्न कौन था दिल्ली का? प्रभुता संपन्न करने का तात्पर्य यह होता है कि वो अपने आप डिसीजन ले सकता था किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के, तो ये कौन था पहला, सोच लिए होंगे, उसका आंसर है इल्तुतमिश। एक और चीज ये जान लिया, इन्होंने सबसे पहली बार एकता प्रणाली प्रारंभ की थी भारत में, एकता प्रणाली, यह अपने राजस्व भू राजस्व को सैनिक को गठित करने का एक माध्यम था एकता प्रणाली। 18वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, ये सब प्रश्न आम रूप से परीक्षाओं में दिख जाते हैं। अगर सही आंसर है इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को इसने फैलाया था काफी क्षेत्रों में दिल्ली के अलावा। 19वां देखते हैं हम लोग। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित मुद्रा जारी किया और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, कौन था सुल्तान, सोच लिए होंगे आप लोग, इसका आंसर है इल्तुतमिश। ये सारे क्वेश्चंस को इल्तुतमिश के अराउंड ड्राफ्ट किया गया है कि इस प्रकार के घुमा के किसी भी एंगल से इल्तुतमिश के बारे में पूछ सकता है। 20वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये लगभग लोग आप सब जानते होंगे, लगभग इसका आंसर है इल्तुतमिश की। अब हम 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार नवरोज का प्रवर्तक किसने किया? नवरोज का जो अपने जो कल्चर में किसने समाहित किया था अपने दैनिक जीवन में, बताइए, सोच लिए होंगे आप लोग, नवरोज ये पारसी पर्व है, इसका सही आंसर है बलबन ने। अब हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, स्वयं का दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कौन कहता था सुल्तान? ये क्वेश्चन आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे, सब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखने में इजी है, लेकिन यह काफी घातक हो सकता है इसका आंसर, सोचिए, स्वयं का दूसरा सिकंदर, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा है। 23वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। दक्षिणी विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण की विजय प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से दक्षिण की ओर जो आया था, वो मिशन किसे सौंपा था, वो पूरा सोच लिए होंगे आप लोग, शायद जानते ही होंगे, इसका सही आंसर है मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है एक हजार दिनारी था, उसका गुलाम था हजार दिनारी, यह बोला जाता है यह किन्नर था, लेकिन इसने अलाउद्दीन के जो जितने भी अभियान थे इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका अदा की। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बाजार विनियम प्रणाली प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? बाजार विनियम प्रणाली को बाजार नियंत्रण भी बोलते हैं हम लोग, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली? बहुत इतिहास में ये महत्वपूर्ण है, ये इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया था हम बाजार नियंत्रण प्रणाली। 25वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह सुल्तान कौन था जिसे खलीफा के आधार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा आप लोग जानते हैं कि मुस्लिमों धर्म का जो है ये राजनीतिक प्रतिनिधि होता है खलीफा, इसके आधार को मानने से इनकार कर दिया था सुल्तान ने, वो कौन था, सोचिए आप लोग, सोच लिए होंगे,
इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सोचिए, इसने खलीफा के आधार को मानने की इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे भारत का तोता कहा गया है? भारत का तोता, इसको तोता ए हिंद भी कहते हैं, तोता ए हिंद भी कहते हैं। सोचिए, सोचिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। हम लोग आगे 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 27वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? फिरोज शाह तुगलक किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? फिरोज शाह तुगलक में इसका सही आंसर है तुगलक वंश। 28वां प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग सब जानते होंगे। इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। 29वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था सोच लिए होंगे। अंतिम वंश था लोदी वंश। इसको जो है बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद यह मुगल वंश की स्थापना हुई थी। यह अंतिम था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश से। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनाया था? कीर्ति स्तंभ सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? जो किस खान से निकला था, भारत में किस खान से निकला था? कहीं पे है आप लोग, ऑप्शन बता देता हूँ मैं इस, कहीं पे सोचिए सोचिए। इसका सही आंसर है गोलकुंडा की खान से निकला था। यह पूरा क्रम जो फिर यह किस किस प्रकार से घूमते 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 यह जो पहुंच गया आखिर में ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में, इसका इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो 32वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ मैं। दिल्ली सुल्तनत का कौन सुल्तान लाख बख्श नाम से जाना जाता है? दिल्ली सुल्तान होगा यहाँ पे, सल्तनत, सल्तनत का कौन सुल्तान लाख बख्श? सोचिए सोचिए। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 33वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी सोच लिए होंगे आप लोग। यह थी आपका लाहौर, भारत में जबकि यह पाकिस्तान में लाहौर स्थित है। 34वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम का गुलाम, यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी में भी पूछा गया था, ये जो गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मध्यकालीन से, सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गौरी, मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इस कारण से यह ये गुलाम था, फिर इसका गुलाम, ये गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश कहते हैं। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका थी, इससे रिलेट करता है सोच लियोगे आप लोग। इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की ही बेटी थी। 36वें प्रश्न देखते हैं हम लोग। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? जब वो आया था तो किसका शासनकाल चल रहा था यहाँ पे भारत में? ये भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये इधर हिमालय रहा, यही जो एक सीमा क्षेत्र था, यह बहुत सारे आक्रमणकारियों का रास्ता था। तो ये किसके काल में आया था सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के काल में आया था चंगेज खान। अब 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, दिल्ली के किस सुल्तान की विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? शायद आप लोग जानते होंगे, सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर है बलबन। अब 38वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन
यह प्रयास किया गया था लेकिन असफल रहा था। सोच लूंगा आप लोग हिंट से। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का किया गया था प्रचलन। हालांकि यह डुप्लीकेट बन जाने के कारण मार्केट में काफ़ी से नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, लास्ट में इसे लौटाना पड़ा चांदी के वापस करके इस सारे सिक्के को। 39वां देखते हैं हम लोग। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर जो है कि सबसे बड़ी जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नहरों का जाल भारत में बहुत सारे, इसमें एग्रीकल्चर के कृषि क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था इसने। नहर बनवाए थे, बड़े बड़े कूप बनवाए थे, बगीचा लगवाया था, राजकीय कृषि का भी काफ़ी योगदान दिया था इसने। सोच लिए होंगे आप लोग नहरों के बड़ी जाल किसने करवाया था सबसे बड़ा। सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अभी महत्वपूर्ण है कि जजिया कर जो है मुख्यतः ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था जजिया कर, लेकिन पहली बार हुआ था कि वह सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया जो कि ब्राह्मण इस जजिया कर से मुक्त थे। यह कदम किसने किया था, उठाया था, आप लोग सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा किया गया था। 41वां प्रश्न देखते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग कब आया था भारत पर आक्रमण किया था, सोच लिए होंगे आप लोग। सही आंसर है 1398 ईस्वी को। 42वें प्रश्न की ओर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, बताइए। तैमूर के बाद 1398 के बाद सोच रहे होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है सैयद वंश का। अब 43वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बाबर में पराजित किया था, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो लेकिन महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, इसका सही आंसर है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब 44वां प्रश्न, किस मध्ययुगीन जो सुल्तान ने आगरा शहर की नींव डालने पर उसे संतान की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी को। आगे प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना किया। कौन सा शख्स था जो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना किया था। ये थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, शायद ये आप लोग जान दिए होंगे आप लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। ध्यान रखेंगे आप लोग, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को, यह कविता भी लिखता था सिकंदर लोदी, कविता भी लिखता था गुलरुखी उपनाम से। अब 46वां प्रश्न देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना, सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। अब 47वां प्रश्न देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा हम बताते चले, ये कुतुबुद्दीन, ये कुतुब मीनार जहाँ पे है, सॉरी फॉर दैट, कुतुब मीनार के पास में स्थापित है अलाई दरवाजा, ये किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था, सोचिए। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यह कुतुब मीनार है, उसके बगल में यह अलाई दरवाजा है। अब हम लोग 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, पूर्व का सिराज किसे कहा गया। पूर्व का सिराज, सिराज पूर्व का कहने के तौर पर सिराज उस स्थान कहते हैं जहाँ ज्ञान पे शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता है, उसी का सिराज कहते हैं। कौन किसे कहा गया था, इसका सही आंसर सोच लिए होंगे। सही आंसर है जौनपुर को कहा गया पूर्व का सिराज। 39वां देखते हैं, 49वां, जौनपुर शहर का संस्थापक कौन था। जौनपुर शहर को कौन, किसने सुल्तान ने संस्थापित किया था, सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर शहर का स्थापना की गई थी। 50वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न आराम से दिख सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में, सोचिए। कश्मीर का अकबर सही आंसर है जलून आबदीन को कहते हैं कश्मीर का अकबर। 51वां प्रश्न देखते हैं हम लोग,
इक्कीसवां प्रश्न है, तंजावुर का विधेश्वर मंदिर द्रविड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर का विधेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का है, किसने करवाया था? तंजावुर साउथ इंडिया में, सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है राजराज प्रथम चुचुलकालीन राजा था, राजराज प्रथम। 52वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, जयपुर के सवाई राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह द्वारा चार स्थान पर जंतर मंतर बनाया गया था। तो दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, आप लोग बता दें हिंट में, और तीन स्थान का नाम बताइए, सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर है उज्जैन, जयपुर, मथुरा, दिल्ली के अलावा दिल्ली भी है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 53वां प्रश्न, घोड़ा दागने व हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई थी? दाग व हुलिया पद्धति एक तरह से बोला जाता है, दाग व हुलिया पद्धति किसने चलाई थी प्रथा? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और 54वां देखते हैं, ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ढाई दिन का झोपड़ा यह जो है आपका अजमेर में है, अजमेर में है ढाई दिन का झोपड़ा, ये मंदिर को तोड़कर उसको बनाया गया था झोपड़ा, पहले यहाँ पे जैन मंदिर था, जैन व हिंदू मंदिर, सोचिए। अगर सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, अजमेर में है। 55वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, तांबे का जीतल, तांबे का जो सिक्का होता था जीतल का नामक सिक्का किसने चलवाया था? तांबे जीतल, सोच लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने चलवाया था। इस प्रकार से हम लोगों ने 55 क्वेश्चंस को देख लिया। यह प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में मध्यकालीन जो भारत के इतिहास से उससे आराम से आ सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वो लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर को सुनने के लिए इसे अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाइए, सब पढ़े सब बढ़े, बेटी को सशक्त कीजिए, शिक्षित कीजिए। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम के तहत में पर्यावरण के प्रति हम लोगों का भागीदारी को बढ़ाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।